सब्सक्राइब करें अक्सर ठाकरानी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अक्सर ठाकरानी में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास संस्कृत का अष्टम पाठ क्रमयोगी स्वामी केशवानंद के प्रश्नोत्तर। तो आइए हम प्रश्नोत्तर करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, बाल्यावस्थायाम स्वामी केशवानंदस्य नामासीत्। बाल्यावस्था में स्वामी केशवानंद का क्या नाम था? तो प्रश्न बनता है, तो इसमें ऑप्शन दिया है वीरू, वीरमा, वीर, तो वीर सा। तो इसमें मैंने सीधे डायरेक्ट आंसर दिया है वीरमा। फिर आता है बाल्यकाले स्वामी केशवानंद आसीत। बाल्यकाल में स्वामी केशवानंद क्या थे? तो पशुचारक, चाय विक्रेता, राजसेवक, राजक या प्रक्षालक। तो ये आंसर है इसका सीधा ही ए नंबर, पशुचारक लिखा है मैंने। तो मातु निधन समय वीरमा आसीत। माता के निधन के समय वीरमा था। क्या था? शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़। तो ये किशोर था। तो आ नंबर आंसर आ जाता है, इसमें उत्तर आएगा। संस्कृत मध्ये तुम कस्य शिष्यतां वीरमा अंगीकृतवान। संस्कृत के माध्यम से किसे शिष्य के रूप में वीरमा को अंगीकृत किया? तो स्वामी कुशलनाथ। तो केशवानंद इति नामकरण केन कुत्र च कृतम्। केशवानंद का नाम, जो ये नाम था केशवानंद, ये किसने और कहाँ दिया इनको? तो एक साधु ने कुंभ मेलायाम, कुंभ के मेले में उत्तर दिया। आ नंबर इसका आंसर है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, तो इसमें आ नंबर क्वेश्चन उत्तर आएगा। यदा स्वामी केशवानंद से शिष्यारंभ जाता तदा सह आसीत। जब स्वामी केशवानंद ने शिक्षा आरंभ की तो वे थे कौन सी उम्र के थे? तो इसमें ई बड़ी की है, तो 16 वर्षीय है, 16 वर्ष के थे। स्वामी केशवानंद आशीद, स्वामी केशवानंद थे, क्या थे? तो ये ऑप्शन दिए हैं, इसमें खूब सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक, एत सर्वपि, ये सब थे, यानी कि ये सभी थे। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षाविद भी, समाज सुधारक भी थे। तो ये सभी उत्तर आ गया, ये सभी। तो फिर आता है आठ नंबर क्वेश्चन है, स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तते। स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य थे। तो द्विवारम राज्यसभायाम, तो राज्यसभा के 2 बार सदस्य रहे वो। अब आता है लघुरात्मक प्रश्न, स्वामी केशवानंद जन्म कदा अभवत। स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? तो स्वामी केशवानंद से जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रमी संवत्सरे। अगर विक्रमी संवत की बात की जाए तो पौष मास के महीने में 1940 विक्रमी संवत को हुआ। अगर ईस्वी की बात की जाए, सन की बात की जाए, तो 1883 में उनका जन्म हुआ। स्वामी केशवानंद से माता पितरों नाम किम। स्वामी केशवानंद के माता पिता का क्या नाम था? तो स्वामी अश्य मातु नाम शाराई थी। इनकी माता का नाम शारा था, पितुष्य नाम ठाकुर सिंह ढाका इतिहास थी, और इनके पिताजी का नाम ठाकुर सिंह ढाका था। तो स्वामीन संस्कृता अध्ययनम कुत्र अभवत। स्वामी का जो संस्कृत का अध्ययन वो कहाँ हुआ? तो स्वामीन संस्कृत अध्ययनम कहाँ की अध्ययन किया? हरिद्वारे, अमृतसरे, चाबहार। हरिद्वार और अमृतसर में हुआ इनका अध्ययन। स्वामी केशवानंद ने संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापित। केशवानंद जी ने संस्कृत पाठशाला कहाँ स्थापित की? तो केशवानंद से संस्कृत पाठशाला अभोर नगरे स्थापित, अभोर नगर में स्थापित की। स्वामी ने शिक्षा प्रसार आदि कार्यम द्रष्टुम ये महापुरुष आगत तेषां किमापि
पंचानाम नामानि वदतु, बोलता है ये नाम बताइए क्या है कि स्वामी के शिक्षा प्रसार आदि कार्यों को देख करके जो महापुरुष आए उनमें से किसी किन्हीं पांच के नाम लिखने हैं। तो विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप। फिर आता है कै खंड को खै खंड से जुड़ना है। तो मैंने सीधा आंसर लिख दिया, क्वेश्चन आपके जो बुक है उसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उत्तरम दिया है, सीधा उत्तर दे दिया मैंने केशवानंद, तो बिरमा के साथ जोड़ दिया। छपनिया अकालम इति, काल इति तो दुर्भिक्षम, चकली छपनिया काल क्या था, दुर्भिक्षम अकाल था वो। अबोर नगरम साहित्य सदनम, उदासीन संप्रदाय श्रीचंद, ग्रामोत्थान विद्यापीठ शंगरिया, बीकानेरम स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय, वेदांत पुष्पक वाटिका हिंदी पुस्तकालय, मंगलुना सीकरम, जन्म स्थान है केशवानंद जी का मंगलुना, है ना। और उसके निम्नलिखित सावधान पर्याय सावधान पाठा चितुआ लिखंतु, निम्नलिखित जो नीचे लिखे शब्द हैं उनके पर्यायवाची शब्द आपको पाठ्स में से लिख चुन करके लिखने हैं। तो पूर्वम तो प्रागेव, क्रमलेख उष्ट्र ऊंट, एकांकी एकलम एकला, यानी अकेला हो गए थे वो, एकांकी अकेले हो गए थे जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था। तो अतिव पश्चिना परम प्रीत है, मोक्षम अपुन भ्रवम, इच्छामी कामे धरित्री भूमि। फिर आता है अधो लिखित पदानाम विलोम पदानी पाठात चित्वा लिखियानी, यही है कि नीचे दिए पद हैं जो शब्द हैं उनके विलोम पद, विलोम शब्द पाठ से चुन करके आपको लिखनी है। तो संपन्नता विपन्नता, गरीब थे, संतरता दासता, सुभिक्षम दुर्भिक्षम, दुर्लभम सुलभम, निष्क्रिय सक्रिय, विमारयति ही समारयति, भूल जाना याद करना। फिर आता है प्रश्न निर्माण की बात करते हैं, आगे प्रश्न निर्माण है। तो मातु नाम सारा इत्यादि, अब मातु को अंडरलाइन किया है तो मातु की जगह हम कश्या लिखेंगे, कश्या नाम सारा इत्यादि। फिर तस्मिन दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भयम आसित, तो तस्मिन है उसकी जगह हम कश्मीन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कश्मीन दुर्भिक्षे जिनम दुर्भक्ष। केशवानंद आए दत्तवान, तो केशवानंद आए, केशवानंद लिखा है, केशवानंद का लिखा है तो उसको अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी जगह हम कश्मीर लिखेंगे, कश्मीर दत्तवान। फिर आता है केशवानंद द्विवारम राज्यसभाया सदस्य आसीत, तो केशवान द्विवारम को अंडरलाइन किया गया है तो उसकी जगह हम क्या लिखने वाले हैं, तो केशवानंद का केशवानंद लिखेंगे, द्विवारम की जगह हम कतिवारम, राज्यसभाया संसद आसीत। प्रोपकार आया सतः विभूत्यः, तो प्रोपकार आया की जगह हम क्या लिखेंगे, कश्मे सतः विभूत्यः कुप्रथानाम निवारे संगलन आसीत, तो केशाम कुप्रथानाम की जगह, तो केशाम निवारण ही संलग्न आसीत। तो ये थे आपके प्रश्नोत्तर, अब आगे हम नए लेसन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।